हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ में डावर, मतलब जो मेहर होता है। कई बार शादियों में सुना होगा ना, पिक्चरों में या रियल में आपने कोई मुस्लिम मैरिज देखी होगी कि मेहर की रकम इतनी सेट हुई है। तो सबसे पहले मैं आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि डावर और डाउरी, जो दहेज होता है और डावर, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। नाम इनके सेम सेम से हैं, डावर और डाउरी। तो ऐसा मत समझना कि मुसलमानों में आप दहेज को डावर बोलते हो, ऐसा नहीं है। डावर देखो, जो अपन प्री इस्लामिक एरा में अगर जाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले अगर अपन जाते हैं, हस्बैंड है और वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ के फादर को डावर देता था क्योंकि वो वाइफ को फादर से ले रहा है। तो वाइफ को एंटिटी माना जाता था ऐसे, जिसको ले सकता है कोई, ठीक है, प्रॉपर्टी टाइप माना जाता था। लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि इस्लाम आया और वाइफ को थोड़े से राइट्स दिए, वुमेन को राइट्स दिए इस्लाम ने काफ़ी, तो अब क्या हुआ, ये जो कल्चर है इसको चेंज कर दिया गया। अब हस्बैंड डावर देता है वाइफ को और वो देता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और जो दूसरा रीज़न होता है वो होता है कि वाइफ के पास कोई राइट्स नहीं थे, क्योंकि हस्बैंड के पास अनलिमिटेड राइट्स थे और कोई लाइबिलिटीज़ नहीं थी। तो हस्बैंड पे थोड़ी लाइबिलिटी क्रिएट करती है डावर, मतलब जो डावर का अमाउंट है वो हस्बैंड के लिए लाइबिलिटी रहता है, अपनी वाइफ को मेंटेन करके रखना और उसके साथ रहना और अबैंडन करके नहीं भाग जाना। क्योंकि फिर अगर आप डिवोर्स देते हो, तो अगर हस्बैंड डिवोर्स देता है तो फिर उसको डावर की रकम देनी पड़ेगी, मेहर की रकम देनी पड़ेगी, वो अपन आगे समझेंगे। तो बेसिकली डावर होता है ऑब्लिगेशन इम्पोज अपॉन द हस्बैंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू वाइफ और ऑब्लिगेशन देना हस्बैंड के ऊपर। तो ये दो तरह की होती है मेनली, एक होती है स्पेसिफाइड डावर और एक होती है अनस्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर को अगर अपन वापस डिवाइड करें तो प्रॉम्प्ट डावर और डिफर्ड डावर, तो ये कैटेगरीज है जिसमें डावर को अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है स्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर मतलब डावर स्पेसिफाइड है, मतलब डावर पहले से डिसाइडेड है कितना अमाउंट होगा, वो डिसाइडेड है शादी के टाइम पे ही, यूजुअली डिसाइड हो जाता है। और मान लो अगर हस्बैंड शादी के टाइम पे माइनर है तो उसके फादर डिसाइड कर देते हैं और श्योरिटी बन जाते हैं उसके लिए, डावर के लिए। अब स्पेसिफाइड डावर में दो तरह की डावर होती हैं। पहली होती है प्रॉम्प्ट डावर। प्रॉम्प्ट डावर अगर है, ठीक है, तो प्रॉम्प्ट डावर मतलब अगर वाइफ ने शादी के बाद, मान लो हस्बैंड और वाइफ हैं, और वाइफ शादी के बाद बोलती है कि मेरे को डावर, अभी मेरा डावर अमाउंट चाहिए, वरना मैं अपने कॉन्जुगल ऑब्लिगेशंस फॉलो नहीं करूंगी, शादी में नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, सेक्स नहीं करूंगी, साथ नहीं रहूंगी, जो भी कुछ भी बोल सकती है वो, ठीक है, मतलब शादी के ऑब्लिगेशंस वो फॉलो नहीं करेगी, तो हस्बैंड को डावर का अमाउंट पूरा देना पड़ेगा वाइफ को, अगर उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स चाहिए तो, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉम्प्ट डावर। डिफर्ड डावर होती है कि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे देते हैं, मतलब जब शादी डिसॉल्व हो जाती है ना तब वो पेबल होती है। अब वो डिसॉल्व कैसे हो सकती है, बाय डेथ हो सकती है या बाय डिवोर्स हो सकती है, या दोनों पार्टी डिसाइड कर सकती है, कोई स्पेसिफाइड इवेंट पे इतनी डिफर्ड डावर मिलेगी। अब जैसा कि मैंने बताया, बाय डेथ अगर मैरिज डिसॉल्व हुई है तो पति तो मर गया, तो डावर कौन देगा? तो अगर डिसोल्यूशन बाय डेथ हुआ है मैरिज का, तो डावर दी जाएगी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से, ठीक है। और अगर डिवोर्स से अगर डिसॉल्व हुई है मैरिज, अब मान लो जो डिवोर्स से डिसॉल्व हुई है मैरिज वो कंज्यूमेटेड मैरिज है, ठीक है, तो पूरी अनपेड डावर मिलेगी, और नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज है तो हाफ ही मिलेगी स्पेसिफाइड डावर की, ठीक है। तो ये डेफर्ड डावर के रूल हैं। हमने ये देख लिया कि अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी से देंगे, लेकिन अगर वाइफ मर जाती है तो वाइफ का जो डावर है वो उसके हायर्स को मिल जाएगा, और उसके हायर्स मतलब उसके जो वारिस हैं वाइफ के, वो फाइल कर सकते हैं 3 साल के अंदर अंदर सूट हस्बैंड से डावर लेने के लिए वाइफ की डेथ के बाद। तो ये हो गया स्पेसिफाइड डावर। सेकेंड आती है अनस्पेसिफाइड डावर। अब जैसा कि नाम से दिख रहा है, अनस्पेसिफाइड डावर, जिसको प्रॉपर डावर भी बोलते हैं। इसको प्रॉपर डावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मान लो डावर स्पेसिफाइड नहीं हुई तो एक प्रॉपर अमाउंट जितना होता है उतना दे दिया जाता है डावर में, ठीक है। अगर वाइफ ने रिमिट भी कर दिया अपना कि मेरे को डावर नहीं लेना शादी के टाइम पे, तो भी उसको एक प्रॉपर डावर मिल जाता है यूजुअली। तो प्रॉपर डावर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि अनस्पेसिफाइड टाइम पे प्रॉपर डावर दे दिया जाता है जब अमाउंट डिसाइडेड नहीं होता। व्हेन द अमाउंट ऑफ द डावर हैज नॉट बीन सेटल्ड और इवन व्हेन देयर इज एन एक्सप्रेस स्टिपुलेशन एट द टाइम ऑफ मैरिज दैट द वाइफ विल नॉट क्लेम एनी डावर, द वाइफ इज स्टिल एंटाइटल्ड, ठीक है। अगर शादी के टाइम पे वाइफ ने क्लेम कराया कि उसको नहीं चाहिए डावर, तो भी वो इंटाइटल्ड है एक प्रॉपर या कस्टमरी डावर के, मतलब एक बेसिक अमाउंट तो उसको मिलना ही चाहिए, और वो अमाउंट कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे फिक्स होता है। अब कोर्ट कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस होएगा वो डावर फिक्स करते हुए। वो चीज़ें क्या क्या होंगी, वो कंसिडरेशन होंगी। सबसे पहले तो कि जो ब्राइड जिस फैमिली से आई है, जो फादर है ब्राइड का, उसकी फैमिली का स्टेटस क्या है। दूसरा, ब्राइड की खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे उसकी एज क्या है, ब्यूटी कितनी है, फॉर्च्यून अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वर्च्यू कितना है, ये सब चीज़ें हैं जो कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी। अब देखो, पुराने टाइम की बातें हैं ये, अभी मेरे को पता नहीं कि एक्चुअली ब्यूटी और फॉर्च्यून और अंडरस्टैंडिंग कैसे डिटरमाइन करते हैं,
लेकिन ये इसको माना गया है कि हाँ भाई ये चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी है डावर अमाउंट फिक्स करते हुए। फिर जो अमाउंट फिक्स होगी वो उसके रिलेटेड होगी जो उसके पेटर्नल रिलेशंस की जो अमाउंट फिक्स हुई थी, जैसे उसकी बहनों के क्या हुई थी, उसकी पेटर्नल आंट्स के क्या हुई थी, जो उसके इक्वल मानी जाती हैं मतलब स्टेटस वगैरह में, उनकी क्या डावर फिक्स हुई थी उससे भी डिपेंड करता है। और लास्ट लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सोशल पोजीशन ऑफ हस्बैंड भी, और उसके पास क्या मीन्स हैं, कितने डावर दे सकता है, वो भी एक डिपेंड करता है कि डावर कितना होगा अनस्पेसिफाइड डावर के केस में। तो गाइज ये हो गई अपनी स्पेसिफाइड डावर और अनस्पेसिफाइड डावर, लेकिन यह ख़त्म नहीं होता है। इसके अलावा एक अमाउंट ऑफ डावर की बात है। अब मान लो कि वो फिक्स्ड नहीं है, तो एक मिनिमम अमाउंट दे रखी है, उससे कम नहीं हो सकती है। अब वो मिनिमम बहुत ही कम है क्योंकि अपने पुराने वाला स्टैंडर्ड अपन ले रहे हैं, लेकिन 10 दिरहम है वो हनाफी लॉ में और 3 दिरहम है मलिकी लॉ में। आज की तारीख में देखो 1 दिरहम 20 रुपये होता है, तो ये 200 रुपये हुआ और ये 60 रुपये हुआ, तो मेरे को लगता नहीं इनका कुछ मतलब है आज की प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब इनका कुछ रेलेवेंस है मेरे को नहीं लगता, लेकिन ये है लॉ में, अपने को पता होना चाहिए एज हिस्ट्री। और दूसरी चीज़, शिया लॉ में अगर प्रॉपर डावर जो अनस्पेसिफाइड है, अगर वो अनस्पेसिफाइड है और प्रॉपर डावर दे रहे हो, तो 500 दिरहम से ज़्यादा नहीं हो सकती। 500 दिरहम का लॉजिक ये है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद उनकी बेटी थी फातिमा, उनका डावर था 500 दिरहम, ठीक है, तो उससे ज़्यादा वो नहीं अलाउ करते शिया लॉ में। एक और इम्पॉर्टेंट बात अमाउंट ऑफ डावर से रिलेटेड, जो अमाउंट ऑफ डावर है ना वो शादी के बाद हस्बैंड इंक्रीज कर सकता है अपनी वाइफ को बोल के कि मैं तुम्हारे डावर इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन कम नहीं कर सकता। अब जहाँ तक बात है रेमिशन ऑफ डावर की, तो रेमिशन ऑफ डावर में वाइफ खुद रेमिट कर सकती है अपने डावर होली या पार्शली शादी के बाद भी, ठीक है, लेकिन वो रेमिट करने की कुछ कंडीशन है, ठीक है, वो शादी के बाद होना चाहिए। और दूसरी बात, फ्री कंसेंट होना चाहिए वाइफ का, वाइफ डिस्ट्रेस में नहीं होनी चाहिए, फोर्स में कंसेंट नहीं होनी चाहिए, प्रेशर में कंसेंट नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड में कंसेंट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, वाइफ की प्यूबर्टी आ गई होनी चाहिए, मतलब वाइफ ने प्यूबर्टी क्रॉस कर लेनी चाहिए। 18 साल से ऊपर है वाइफ या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्यूबर्टी क्रॉस कर लेनी चाहिए। तो गाइज ये हो गया हमारा डावर कंप्लीट, मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लगा तो, और यहाँ पर फैमिली लॉ के वीडियोज़ देख लो बाकी के, और यहाँ पे कोई रैंडम वीडियो आएगा वो देख लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।